हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी, आज हुए 11 महीने पूरे। वकील सुधा द्विवेदी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस में की शिकायत, कहा जबरन वसूली को लेकर दर्ज हो केस। वहीं सूडान में तख्ता पलट के बाद सेना ने प्रधानमंत्री को किया गिरफ्तार, अमेरिका ने रोकी आर्थिक सहायता। आईपीएल में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों की हुई एंट्री। वहीं पाकिस्तान से हार के बाद आलोचनाओं का शिकार हो रहे मोहम्मद शमी को सचिन तेंदुलकर ने किया सपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। नवाब मलिक का आरोप, एनसीबी चीफ वानखेड़े ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट से पाई नौकरी। जम्मू कश्मीर के दो मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर FIR, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। वहीं लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसान करेंगे प्रदर्शन। वहीं कोरोना की एक और वैक्सीन अगले महीने आएगी। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से धरने पर बैठे किसान आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस मौके पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने और अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग को लेकर देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान मोर्चा की ओर से इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद को भेजे जाने वाले ज्ञापन में लिखा गया है कि 3 अक्टूबर 2021 को हुए लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के बाद 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है और जिस तरीके से जांच की जा रही है उससे पूरा देश निराशा और आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट इस घटना को लेकर पहले ही कई प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है। इसके अलावा ज्ञापन में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से देश नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की नैतिकता की कमी से स्तब्ध है, जहां अजय मिश्रा टेनी मंत्री परिषद में राज्य मंत्री बने हुए हैं। दिन दहाड़े किसानों की हत्या की घटना में इस्तेमाल किया जाने वाली गाड़ी मंत्री की है। मंत्री के 3 अक्टूबर 2021 से पहले की कम से कम 3 वीडियो में रिकॉर्ड है। वहीं मुंबई पुलिस ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और 5 अन्य के खिलाफ क्रूज पर मादक पदार्थ मामले में कथित रूप से जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर अनुरोध किया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकारी के अनुसार वकील सुधा द्विवेदी ने लिखित शिकायत MRA मार्ग पुलिस थाने और संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में दी है। द्विवेदी ने शिकायतों में वानखेड़े तथा प्रभाकर सैल एवं KP गोस्वामी सहित 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हमें शिकायत मिली है लेकिन अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बता दें कि एंट्री ड्रग्स एजेंसी NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं। वानखेड़े ऐसे समय में दिल्ली पहुंचे हैं जब NCB मुख्यालय ने भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच DDG ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे। समीर वानखेड़े क्रूज ड्रग्स की जांच कर रहे हैं और उन पर एक गवाह प्रभाकर सैल ने अभिनेता शाहरुख खान से जबरन वसूली के प्रयास करने का आरोप लगाया है। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आरोपी हैं। सूडान की सेना ने सोमवार को प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद कार्यवाहक सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद हजारों लोग इस तख्तापलट के विरोध में सड़कों पर आ गए। सुरक्षा ने भीड़ पर गोली चलाई जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और 80 लोग घायल हो गए। सूडान में डॉक्टरों की एक समिति ने ये जानकारी दी है। इस तख्तापलट की अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने निंदा की है। इस बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता करीन जिया पीरे ने कहा कि अमेरिका सूडान में सेना द्वारा तख्तापलट की चेतावनी देता रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि बाइडन प्रशासन ने सूडान को दी जाने वाली $70 करोड़ की सहायता राशि को निलंबित कर रहा है और जनरल अब्देल फतेह बुरहान ने टेलीविजन पर दिए संदेश में घोषणा की कि देश की सत्तारूढ़
स्वायत्त शासी परिषद और प्रधानमंत्री अब्दाला हमदोक के नेतृत्व वाली सरकार को भंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धड़ों के बीच झगड़े के चलते सेना को हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरा करने का संकल्प जताया और कहा कि नई टेक्नोक्रेट सरकार सूडान में चुनाव कराएगी। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 10 टीमें खेलती नजर आएंगी। सोमवार को आईपीएल में दो नई टीम जुड़ गई हैं। ये दो नई टीम लखनऊ और अहमदाबाद होंगी। अब तक आईपीएल में कुल 8 टीमें थी। दो नई टीमें जुड़ने से इस टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ जाएगा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली आरपीएसजी ग्रुप ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाकर लखनऊ में फ्रेंचाइजी को खरीद लिया है। दूसरी तरफ निजी एक्टिविटी फर्म सीवीसी कैपिटल पार्टनर ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाकर खरीद लिया है। गौरतलब है कि लखनऊ फ्रेंचाइजी को खरीदने वाले संजीव गोयनका 2 साल के लिए पुणे फ्रेंचाइजी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के मालिक रहे हैं। एक बार फिर उनकी फ्रेंचाइजी आईपीएल में धूम मचाती नजर आएगी। वहीं T20 विश्व कप में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर टीम के फैंस में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। कुछ लोग भारत की हार के लिए टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग उन्हें उनके धर्म से को लेकर विट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज शमी के सपोर्ट में उतर आए हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, आरपी सिंह, हरभजन सिंह के बाद सचिन तेंदुलकर ने शमी का समर्थन किया है। क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को ट्वीट कर मोहम्मद शमी का समर्थन किया और उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बताया। सचिन ने ट्वीट में लिखा, जब हम टीम इंडिया का समर्थन करते हैं तो हम टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी का समर्थन करते हैं। मोहम्मद शमी एक प्रतिबद्ध विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा। मैं शमी और टीम इंडिया के पीछे खड़ा हूं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब में सियासी धमाका करेंगे। इसके लिए अमरिंदर सिंह पिछले करीब 1 महीने से वर्किंग कर रहे हैं। कैप्टन ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। वे नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस वजह से पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चलते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों से संपर्क साध लिया है। इसके अलावा बड़े नेताओं की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। चर्चा है कि अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे, जहां खासकर चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद मंत्री पद से हटाए विधायकों पर भी सबकी नजर है। इनमें राणा गुरमीत सोडी, साधु सिंह धर्मसोत, गुरप्रीत कांगड़, बलबीर सिद्धू और श्याम सुंदर अरोड़ा शामिल है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के करीब 15 विधायक अमरिंदर सिंह के संपर्क में है। वहीं एनसीबी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि वानखेड़े ने नकली वर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फर्जी कागजातों के आधार पर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो झोपड़ी में हो सकता है, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट से उसका अधिकार छिनेगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है वो असली है। गौर से देखेंगे तो उनमें अल्टीरेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखेड़े साहब की बहन का भी ऑनलाइन है, लेकिन वानखेड़े का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कुछ छात्रों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने रविवार को हुए भारत पाक T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। वहीं किसान आंदोलन को आज 11 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले साल 26 सितंबर को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की लगी सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू किया था। इस बीच लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने के लिए किसान आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे।
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य डॉक्टर दर्शनपाल ने बताया कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध आह्वान किया गया है। ये केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्री परिषद से बर्खास्तगी की मांग के लिए किया जा रहा है। वहीं फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने उम्मीद जताई है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स नवंबर के आखिरी तक लॉन्च कर दी जाएगी। कंपनी ने कहा कि लॉन्च के दिन 10 करोड़ डोज सप्लाई किए जाएंगे। इससे पहले 14 अक्टूबर को खबर आई थी कि बायोलॉजिकल ई नवंबर के आखिरी तक फेज 3 ट्रायल के डाटा सरकार को सौंप देगी। बता दें कि हाल ही में देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 वैक्सीन कंपनियों से बात की थी। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में अब और तेजी आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत देश के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।